तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सागर एक्सपेरिमेंट के एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आप जो देख रहे हैं ये है कुछ गियर मोटर, जो कि डिफरेंट टाइप्स की गियर मोटर है। तो आज हम इनका यूज़ करके कुछ सिंपल और यूजफुल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ही इजी तरीके से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। तो चलिए गाइज, बिना देर के इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं पहला प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो मैंने लिया एक गियर मोटर जो कि सिंगल शाफ्ट गियर मोटर है, और अब हमें चाहिए कुछ पीवीसी के पीस जिसको मैंने पहले ही कट के तैयार कर लिया है। और अब हम एक पीस को इस गियर मोटर के साथ कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चिपका देंगे। तो मैं इनको चिपकाने के लिए यहाँ हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, आप इंस्टेंट ग्लू से भी इनको यहाँ पे चिपका सकते हो। अब गाइस जो बाकी दो पीस है उनको कुछ इस प्रकार ट्राइंगल शेप में हमें चिपका देना है, तो मैं इनको भी अच्छी तरह हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपका देता हूँ। और गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइज, अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह चिपका दिया, आप देख सकते हो। और अब हम इस मोटर को चलाने के लिए लेते हैं बैटरी। तो मैं 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई दूसरी बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये गियर मोटर 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी इजीली चल जाएगी, और 9 वोल्ट की बैटरी लेते हो तो भी इजीली काम कर जाएगी। तो अब मैं लेता हूँ एक स्क्रू। तो आप देख सकते हो इस स्क्रू को हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हॉट ग्लू से अच्छी तरह चिपका देना है। गाइस बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। और ये चिपकाने के लिए अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप सुपर ग्लू से भी इसको चिपका सकते हो। और अब मैं ले रहा हूँ एक माइक्रो स्विच, तो इसको मैं इस मोटर के ऊपर यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ताकि हम इसकी मदद से मोटर को ईजिली ऑन ऑफ कर सकें। तो इसको भी मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू से चिपका दिया है। तो गाइस अब करते हैं इसके कनेक्शन। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ कॉपर वायर, ताकि ये ज़्यादा नज़र ना आए। आप नॉर्मल वायर का भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कॉपर वायर ही ले। तो अब मैंने पॉजिटिव वायर को स्विच के साथ कनेक्ट करके मोटर के साथ जोड़ दिया है, और नेगेटिव वायर को हम डायरेक्ट ही मोटर के साथ जोड़ देंगे। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं ले रहा हूँ एक छोटा व्हील जिसको मैं इस गियर मोटर के साथ यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट का हम करने क्या वाले हैं, यानी हम इस किस टाइप से इसको यूज़ लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैंने लिया एक पेंसिल, तो आप इसकी जगह पेन भी यूज़ कर सकते हो, बस चलना चाहिए। तो इसको भी मैं यहाँ पे हॉट ग्लू से लगा दिया हूँ। वैसे इसको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी रख सकते हो। अब आप देख सकते हो इसका काम। तो गाइस इसकी मदद से हम बिल्कुल इजीली सर्कल बना सकते हैं, छोटा या बड़ा जितना आप चाहो वैसे इसका बना सकते हो। आप पेंसिल की जगह पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसका साथ पेन कनेक्ट कर दिया, और बिल्कुल परफेक्ट सर्किल इसकी मदद से आप बना सकते हो। इसके अलावा आप जो पेन या पेंसिल लगाते हो उनको एडजस्टेबल बना सकते हो, जिससे कि आपको छोटा या बड़ा सर्किल बनाने में आसानी रहेगी। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। तो आप देख सकते हो मैंने एक और गियर मोटर लिया है जो कि एल शेप में है। तो इसकी मदद से हम एक बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इसके साथ मैं 9 वोल्ट की बैटरी को लगा देता हूँ, तो इसको मैं हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपका दिया हूँ। इसके अलावा आप एक रिचार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हो, जिसके साथ आप एक चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल भी लगाना होगा। अब मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने एक पुश स्विच लिया है, और इसको हम यहाँ पे सामने की साइड चिपका देंगे। इसको ऐसी जगह चिपकाना है जहाँ पे आपको इजीली प्रेस करने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हो मैं इसको भी यहाँ पे हॉट ग्लू से चिपका देता हूँ। अब गाइज हमें एक और स्विच की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हो मैंने एक 6 पोल का स्विच लिया है, और ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि मोटर की घूमने की डायरेक्शन को हम चेंज कर सके। तो इसके साथ मैंने क्रॉस में पहले से ही वायर कनेक्ट कर लिया है, मैंने काफ़ी वीडियो में इसके कनेक्शन के बारे में बता रखा है, तो आपको पता होगा। फिर भी अगर आप नए हो तो इसका सर्किट डायग्राम इंस्टाग्राम पर पहले से अवेलेबल है, तो आप वहां जाके इसके कनेक्शन देख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लें। तो गाइज अब कर लेते हैं इसके कनेक्शन। तो मैंने 9 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टर को जोड़ दिया है, और अब इसके साथ दो वायर सोल्डर करके मैं मोटर के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। दोनों वायर पहले 6 पोल स्विच के साथ कनेक्ट हो गए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर को हमें 6 पोल स्विच के मिड में कनेक्ट करना है, और फिर एक साइड से हमें इसका आउटपुट लेके नेगेटिव वायर को डायरेक्ट मोटर के साथ जोड़ देना है, और पॉजिटिव को हमें पुश स्विच के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हम जैसे ही प्रेस करें मोटर ऑन हो जाए, और जो 6 पोल स्विच है इसकी मदद से हम मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो आप देख सकते हो इसके सारे कनेक्शन मैंने कर दिए, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इसका कंप्लीट डायग्राम आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो अब आप देख सकते हो मोटर की इजीली डायरेक्शन चेंज हो रही है इस स्विच की मदद से। तो गाइज ये एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बन के तैयार हो गया है और अब मैं इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर के बिट को जोड़ दिया हूँ। आप देख सकते हो इसको हमें यहाँ पे अच्छी तरह चिपकाना है, नहीं तो ये जल्दी छूट सकता है क्योंकि गियर मोटर काफ़ी पावरफुल होती है। अब आप देख सकते हो मोटर की डायरेक्शन को भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं, यानी स्क्रू को खोलने या कसने में कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। तो आप देख सकते हो इस बार मैंने एक ड्यूअल शाफ्ट की गियर मोटर ली है और इसके अलावा एक मेटल का वायर लिया है जो कि थोड़ा हार्ड है। आपको हार्ड वायर ही लेना है और इस वायर को हम इस पीवीसी पाइप की मदद से गोलाई में मोड़ लेते हैं। तो गाइज इस प्रकार के मैं दो पीस तैयार कर लेता हूँ और फिर हम इस मोटर के साथ इनको लगा देते हैं। इनको लगाने के लिए मैं हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इनको यहाँ पे अच्छी तरह चिपका देता हूँ। अब गाइज मैं इस वायर का एक पीस और लेता हूँ, तो इसको मैंने कट कर लिया है और कुछ इस प्रकार से हमें इसको एक साइड से मोड़ लेना है। अब गाइज मैं एक टॉय कायर का व्हील लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। आपके पास अगर ये व्हील नहीं है तो आप किसी बोतल का केप भी इसके अंदर लगा सकते हो। तो अब मैं इसको भी यहाँ पे हॉट ग्लू से अच्छी तरह फिक्स कर देता हूँ। तो देख सकते हो गाइज ये पूरी तरह फिक्स हो चुके हैं और अब आते हैं बैटरी पे। तो मैं यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ और बैटरी को यहाँ पे ऊपर की साइड हम अच्छी तरह चिपका देते हैं। अब इसके साथ एक छोटा माइक्रो स्विच लेते हैं, वो भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो इन सबको मैं हॉट ग्लू से अच्छी तरह यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और अब इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो मैंने एक 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर लिया है और इसके साथ दो वायर्स होल्डर करके हम मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इसके साथ पहले दो वायर सोल्डर कर लेते हैं और फिर जो पॉजिटिव वायर है उसे हमें स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव को हमें डायरेक्ट मोटर के साथ जोड़ देना है। तो फाइनली गाइज ये मिनी रोबोट बनके तैयार हो चुका है और अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग, ये कैसे काम करता है। वैसे एक टाइप का ये टॉय है, देखने में काफ़ी फनी लगता है, तो आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हो। तो चलो अब हम इसको टेस्ट कर दें। तो देख सकते हो गाइज ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही स्मूथली चल रहा है। आप इसके साथ कोई रिचार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हो। तो गाइज उम्मीद है कि आपको गियर मोटर के सारे प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।